हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? बेटा, हमारी हरियाणा बोर्ड की 10th क्लास की हिस्ट्री हमने स्टार्ट की हुई है, जो अब गवर्नमेंट की साइड से जो चेंज हो गई है। तो हम इस नई हिस्ट्री का हम जो फर्स्ट चैप्टर है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हम इसका फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर चुके हैं, हाफ वीडियो हमारी हो चुकी है। आई हो बेटा आप सभी ने देखी होगी, आपको पसंद भी आई होगी, समझ आया होगा। आज हम इसका रिमेनिंग पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। आपको बेटा बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इम्पोर्टेंट बहुत है, आपको अच्छे से समझना है। बच्चों, स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप इन्हें प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। आज हम देखिए, हम इसका रिमेनिंग पार्ट के अंदर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है बच्चों? पॉलिटिकल लाइफ। अब देखिए बेटा, जो हमारा टॉपिक चल रहा है सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन, उसके अंदर हम आज इसकी हम पॉलिटिकल लाइफ के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए, उस समय के बारे में बताया गया है कि उस समय के अंदर जो पॉलिटिकल लाइफ थी वो किस प्रकार की रही होगी। तो जो सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन क्या है, बहुत ही वास्ट है, बहुत ही वाइड है, इसका एरिया बहुत बड़ा था, बहुत फैला हुआ था। यहाँ पर क्या है बेटा, टाउन प्लानिंग भी की गई थी, जो हमने अभी पढ़ कर आए हैं हम फर्स्ट वीडियो में। और यहाँ पर टूल मेकिंग, वेट मेजर, सील स्क्रिप्ट, इन सब चीज़ों के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इन सभी के अलावा वहाँ पर क्या है, जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसके भी हमें बहुत सारे क्या है तथ्य मिलते हैं, एविडेंस मिलते हैं। तो लेकिन वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो बाई नेचर कैसा होगा, तो इसके बारे में हम क्या है मतलब क्लियरली कहना तो बहुत डिफ़िकल्ट है। बट क्या है, जो मिस्टर हंटर हैं जिन्होंने इसके बारे में सर्च किया था, वो एक ओपिनियन देते हैं। वो क्या कहते हैं कि उस समय के अंदर क्या है, रिपब्लिकल फॉर्म रही होगी, जो गवर्नमेंट है वहाँ पर वो कैसी रही होगी, रिपब्लिकल फॉर्म में रहा होगा। यानी कि रिपब्लिकन फॉर्म वही होती है बेटा जिसके अंदर सरकार का जो चुनाव होता है वो किसके द्वारा, जनता के द्वारा किया जाता है। तो उस समय के अंदर भी यही रहा होगा, उस सिविलाइजेशन के अंदर भी। और वहाँ पर जो पब्लिक जो बिल्डिंग्स पाई गई थी, टाउन के अंदर जो फोर्ट्स पाए गए थे, उनको क्या है, जो काउंसिल मेंबर के जो काउंसिल्स होते थे उसके लिए उन्हें यूज़ किया जाता होगा। व्हीलर्स राइट। अब देखिए, जो व्हीलर्स हैं वो क्या लिखते हैं इसके बारे में कि वट एवर द सोर्स ऑफ पावर में हैव बीन, इट वॉज प्रोबेबली रिलीजन दैट हैज बीन। यानी कि वो क्या कहते हैं कि उस समय उनके पास जो पावरफुल चीज़ होगी वो क्या रही होगी, तो क्या रहा होगा वो, क्या उनका रिलीजन यानी कि अपने धर्म को लेकर क्या वो सारे कार्य करते होंगे। इन द मेसोपोटामिया सिविलाइजेशंस में देखिए क्या बताया है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टाउन स्टेट्स वाज इन हैंड्स ऑफ प्रिस्टी रूलर्स। उस समय के अंदर जो टाउन स्टेट्स का जितना भी जो प्रशासन का वर्क होता था किसके हाथ में था, प्रिस्टी रूलर्स के हाथ में। और इसके अलावा एंटायर लैंड वाज अ प्रॉपर्टी ऑफ टेम्पल्स, और जो बचा हुआ जो एरिया था वो किसके पास चला जाता था, वो टेम्पल्स यानी कि मंदिरों में प्रॉपर्टी के रूप में चला जाता था। स्कॉलर्स बिलीव करते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन था सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन का, उसको क्या है, टू कैपिटल्स नेम्स कहाँ कहाँ से पाया गया, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, जो दो कैपिटल सिटीज़ हैं वहाँ से पाया गया है। लेकिन जो राखीगढ़ी और जो धोलावीरा एरियाज़ हैं वहाँ से भी क्या है, बहुत अधिक मात्रा में क्या है एडमिनिस्ट्रेशन के हमें बहुत सारे एविडेंस मिले हैं, इसलिए उन्हें भी हम नकार नहीं सकते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन थी वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो लेवल था बहुत ही क्या था, इम्पोर्टेंट था। वो ना केवल हड़प्पा और मोहनजोदड़ो बल्कि राखीगढ़ी और धोलावीरा के अंदर भी उसके बहुत सारे एविडेंसेस पाए गए हैं। ओके, आगे देखिए बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। अब देखिए डायग्राम्स में बताया गया है, ये देखिए उस समय की जो सील्स थी, जो मोहरे थी, ये इस टाइप की मोहरे दिखाई गई हैं। आगे है ये देखिए, ये क्या है, ये उस समय के अंदर ये ब्लैक कलर स्क्रिप्ट दिखाई गई है कि इस स्क्रिप्ट के अंदर वहाँ पे क्या है सारी चीज़ें लिखी जाती थी। एंड उस समय के अंदर देखिए क्ले मिट्टी से देखिए किस प्रकार की सारी चीज़ों को, कलाकृतियों को तैयार किया जाता था। ओके बच्चों, आगे देखिए अब सोशल लाइफ। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक सोशल लाइफ। तो देखिए उस समय के लोगों की सामाजिक जो जीवन था वो कैसा था, तो उस समय के अंदर देखिए जो सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशंस थी वो क्या है, बहुत सारी अलग अलग क्लासेस के अंदर डिवाइड था। तो वहाँ पर जो टाउन था उसे क्या है, मेन दो एरियाज के अंदर डिवाइड किया गया था। एक तो था फोर्टिफिकेशन एरिया, एक होता था हाउसिंग एरिया। तो जो रिच पीपल होते थे, जो रूलिंग क्लास होती थी, वो तो क्या है कहाँ रहते थे, टाउन फोर्ट्स के अंदर रहते थे। और जो फोर्टिफाइड एरिया होता था धोलावीरा का, उसको क्या है दो पार्ट में डिवाइड किया गया था। उन दो पार्ट्स के अंदर एक में तो कौन था, रूलिंग क्लास यानी कि जो राजा महाराजा होते थे वो रहते थे। और जो दूसरा पार्ट होता था इम्पोर्टेंट ऑफिशियल इन द अदर, जो दूसरा पार्ट था वो किसके लिए, जो एडमिनिस्ट्रेशन की साइड से जो बड़े बड़े अफसर्स होते थे उनके लिए वो एरिया बनाया गया था।
और सिक्योरिटी और स्पेशल फैसिलिटीज़ भी क्या है उस फोर्ट एरिए के अंदर रखी गई थी। उसके अंदर ट्रेडर्स, सोल्जर्स, ऑफिसर्स, क्राफ्टमैन एंड लेबरर्स किस में रहते थे? रेजिडेंशियल एरिया में रहते थे। और पीपल ऑफ दिस क्लास ऑल्सो लिव्ड इन टू सेपरेट रेजिडेंशियल एरिया इन धोलावीरा। धोलावीरा के अंदर भी क्या है, कुछ लोगों के वहाँ से एविडेंस पाए गए हैं। एंड द रेजिडेंशियल एरिया एट हड़प्पा, और जो हड़प्पा का जो रेजिडेंशियल एरिया था एंड मोहनजोदड़ो वर नॉट इवन सराउंडेड बाय रैम्पर्ट्स, मतलब उनको क्या है ऊंची ऊंची दीवारों से कवर नहीं किया गया था। बट एविडेंस ऑफ फोर्टिफिकेशंस हैड फाउंड एट कालीबंगा। आप देखिए फोर्टिफिकेशंस जो एरिया से वो कहाँ मिले हैं, कालीबंगा, लोथल, बनावली और धोलावीरा में पाए गए हैं। और इन एरियाज के अंदर देखिए कौन कौन पाया गया है, इसके अंदर फार्मर्स, पोर्टर्स, कारपेंटर्स, सेलर्स, लेबरर्स, ज्वेल्स और बीवर्स इन एरियाज के अंदर रहते थे, पाए गए थे। अब देखिए उस समय के अंदर जो वहाँ के जो लोग थे वो क्या है, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, मतलब दोनों प्रकार का भोजन खाते थे वो। उनके मेन फूड में क्या क्या था, बार्ले, वीट, राइस, फ्रूट, वेजिटेबल, मिल्क, मीट, फिश, शिप, गोट, पिग्स की मीट खाते थे। और पकाने के लिए देखिए क्या क्या बर्तन होते थे, कुकिंग के लिए भी बर्तन पाए गए हैं। और ग्राइंडिंग मतलब किसी चीज़ को पीसना, यानी कि क्या है वो भोजन को पीसते भी थे। उससे रिलेटेड हमें क्या है, वहाँ पर एक स्टोन ग्राइंडर मिला, यानी कि सिलबट्टा जिसे बोलते हैं, जिसके ऊपर चटनी वगैरह पीसी जाती है, वो वहाँ से पाए गए हैं। प्लेट्स, ग्लासेस, बॉल्स एंड पॉट्स वहाँ पर क्या है वो खाने के लिए यूज़ करते थे। देखिए ये सारे बर्तन वो खाने के अंदर यूज़ करते थे। ओके, आगे देखिए बेटा, ये सारी चीज़ें उस समय की जो खुदाई की गई थी उसके अंदर पाई गई हैं। आगे है उस समय के अंदर जो उस इन सभी के अलावा देखिए उनकी खुदाई में क्या है, क्लोथ्स और ज्वेलरी भी पाई गई हैं। तो जो ज्वेलरी है देखिए, ज्वेलरी का डायग्राम दिया गया, ये सारी ज्वेलरी उस समय के लोग पहनते थे। और उसके अलावा एंड द स्टोन आइडल फाउंड मोहनजो इज वियरिंग एंड ओढ़ना ऑर्नेट शॉल। अभी हमने पीछे एक डायग्राम देखा था, उसमें क्या है कि पुरुष का डायग्राम, मैन का डायग्राम दिखाया गया था, उसने शॉल पहना हुआ था, लेफ्ट शोल्डर को उसने कवर किया हुआ था और राइट शोल्डर उसका क्या था, ओपन था। और उसकी जो बियर्ड यानी कि जो उसकी दाढ़ी और मूछ थी वो भी क्या है प्रॉपर तरीके से उसने ग्रूम की हुई थी। और जो उसके हेयर्स थे उसको क्या है बैक में उसने टाई किया हुआ है, बांधा हुआ है, यानी कि क्या है वो कोम को भी यूज़ करते थे। तो देखिए उनका जो कोम होता था उस समय का, तो कोम का डायग्राम देखो बच्चों ये दिखाया गया, ये है उस समय का जो कोम था, कंघा था, दिखाया गया है, इस प्रकार के कंघे होते थे। और इनके अलावा अनदर आइडल फाउंड फ्रॉम देयर इज वियरिंग अ ट्रांसपेरेंट गारमेंट ऑन वेस्ट। और एक और जो मूर्ति पाई गई है उसके ऊपर क्या दिखाया, उसने ट्रांसपेरेंट जो कपड़े हैं वो पहने हुए हैं। नेकलेसेस, आर्मेट्स, ब्रेसलेट्स, रिंग, ये सारे ऑर्नामेंट्स यानी कि ज्वेलरी के रूप में पाए गए हैं। और उस समय के अंदर मैन और वुमेन दोनों ही ज्वेलरी को पहनते थे। रिच यूज टू वियर ऑर्नामेंट्स। अब देखिए जो अमीर लोग होते थे उनकी जो ज्वेलरी होती थी वो गोल्ड और सिल्वर की बनी होती थी, या सेमी प्रीशियस स्टोन से, या इवोरी से, इवोरी होता हाथी दांत। लेकिन जो गरीब लोग होते थे उनकी जो ऑर्नामेंट्स थी वो क्ले से, बोन से और स्टोन से बनी हुई होती थी। ओके, आगे देखो बेटा, पीपल और सरस्वती सिंधु है जो स्पेशल इंटरेस्ट इन हेयर स्टाइल्स। उस समय के जो लोग थे उनको हेयर स्टाइल का बड़ा शौक था और वो इवोरी के कॉम्ब्स को और कॉपर मिरर को यूज़ करते थे। देखिए ये इनका मिरर था, शीशा, जिसके अंदर वो अपना फेस देखते थे। व्यूमेन ऑल्सो यूज काजल, सुरमा एंड वर्मिलिन, यानी कि क्या है जो महिलाएँ थी वो अपनी आँखों को सजाने के लिए इन सब चीज़ों को यूज़ करती थी। और उसके अलावा खेलने के अंदर वहाँ पे चेस और डांस को वहाँ पर क्या है मेन एंटरटेनमेंट का सोर्स माना गया था। और वहाँ के जो लोग थे वो हंटिंग यानी कि शिकार भी करते थे। और उस समय के जो छोटे बच्चे थे उनके खेलने के लिए टॉयज़ होते थे, क्लैक्स, विशल्स, कार्ड्स, इन सारी चीज़ें क्या है छोटे बच्चों खेलने के लिए बनाई गई थी। तो देखिए जो चेस गेम होता था उसके अंदर इन सब चीज़ों को यूज़ किया जाता था। ओके, मोहरों, चेस के अंदर जो गोटियाँ थी उन गोटियों के रूप में से, ये देखिए बेटा ये डायग्राम है, ये किस चीज़ का है, ये देखिए ये क्या है, क्लैक, क्लैक होता है झुनझुना, जो छोटे बच्चों का, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको जब हिलाते हैं तो इसमें से आवाज़ आती है, तो वो खिलाने के लिए छोटे बच्चों का झुनझुना था जो मिट्टी का बना हुआ होता था। ओके, अब आगे आता है इकोनॉमिक लाइफ। तो इकोनॉमिक लाइफ में देखिए बच्चों, इकोनॉमिक लाइफ में क्या बताया गया है, इकोनॉमिक लाइफ में देखिए जो एग्रीकल्चर था वो उस समय के अंदर क्या है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उनका वर्क होता था, मतलब खेती करते थे। और किस किस चीज़ों, वहाँ का जो एरिया था बहुत ही ज़्यादा क्या था, फर्टाइल था। क्यों था फर्टाइल, क्योंकि वो रिवर के नियर अबाउट था। और उस समय के लोग वीट, बार्ले, राइस, मूंग, लेंटिस,
पीस मस्टर्ड कॉटन सीसम इन सब चीज़ों को की कृषि करते थे, ये उनकी इकोनॉमिक लाइफ के अंदर बताया गया है। और देखिए बच्चों, और स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्रॉप्स में मेथड ऑफ प्लांटिंग एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट इरिगेशन सिस्टम इन सब चीज़ों को वो इन सब मेथड्स को यूज़ करते थे। और इन सब मेथड से क्या है, उस समय के अंदर जो एग्रीकल्चर था उसकी डेवलपमेंट के बारे में पता लगता है। एंड द स्टोन सिकल ऑब्टेन फ्रॉम मेहरगढ़ से क्या है, एक स्टोन सिकल यानी कि एक पत्थर की सिकल यानी कि एक हल का नमूना मिला, दराती का नमूना मिला है। एंड द प्लोइंग फील्ड फाउंड फ्रॉम कालीबंगा से क्या है, एक जोता हुआ खेत का नमूना मिला है। एंड दी सैंपल ऑफ प्लॉग ऑप्टेन फ्रॉम बनावली से भी एक सैंपल मिला है। इन सब से क्या पता लगता है कि उस समय के अंदर जो एग्रीकल्चर थी बहुत ही डेवलप थी। लार्ज कलेक्शन सेंटर्स ऑल्सो रिवील लार्ज क्वान्टिटी ऑफ क्रॉप, और बहुत सारे एरिया से क्या है बहुत अधिक मात्रा के अंदर क्या है क्रॉप प्रोडक्शन की क्वान्टिटी भी मिली है। और उस समय के अंदर जो किन किन पशुओं को वो पालते थे, बुल, काओ, बफेलो, शिप, गोट, डंकी और पिको, वो मेन क्या करते थे, रियर करते थे। एंड इन्हें वो किस चीज़ के लिए यूज़ करते थे, मिल्क के लिए, मीट, हाइट्स और वूल के लिए वो इसे यूज़ करते थे। बुलेक्स को एग्रीकल्चरल वर्क के लिए और ट्रांसपोर्ट के लिए भी यूज़ किया जाता था। ओके बच्चों, आगे देखिए, इनके अलावा वो डोमेस्टिकेटेड हॉर्सेज एंड हॉर्स और कैमल्स को भी क्या करते थे, वो मतलब अपने पालतू पशु के रूप में घर में रखते थे। एंड रियरिंग ऑफ एलिफेंट्स ऑल्सो प्रोबेबली स्टार्टेड। अपार्ट फ्रॉम दीज दार एविडेंस वाइल्ड एनिमल्स के भी एविडेंस मिले हैं, जिसमें वाइल्ड बोर, चिंकारा, डियर और इंडियन एंटीलोप पाए गए हैं। अलग अलग प्रकार के वाटरफॉल बर्ड्स भी यहाँ पर पाई गई हैं। तो ये देखिए उस समय के जो ये प्लो है, सिक्कल है, ये सारे क्या है एग्रीकल्चरल टूल्स के रूप में पाए गए हैं। इनके अलावा बच्चों, इंडस्ट्रियल जो एक्टिविटीज़ थी वो भी वहाँ से पाई गई हैं। जो वहाँ के उस समय के जो लोग थे वो क्या है अलग अलग टेक्निक के मेटल को यूज़ करके अलग अलग टाइप की ज्वेलरी बनाते थे, टूल्स बनाते थे और इम्प्लीमेंट्स करते थे उनमें। एंड वर हाईली स्किलफुल, बहुत ही ज़्यादा स्किलफुल थे वो, और क्या है वो अपनी कला के द्वारा क्या इन सब चीज़ों को तैयार करते थे। अलग अलग प्रकार के जो ऑर्नामेंट्स पाए गए हैं वो किस किस से बने होते थे, स्टोन से, कॉन्च शेल से और ओइस्टर्स और इवोरी से बने होते थे। तो ये देखिए सारी क्या क्या चीज़ें हैं, प्रीशियस स्टोन्स होते हैं, जो ये कीमती जो पत्थर होते हैं उससे बनाए गए थे। और इनके अलावा कीमती पत्थर से कॉन्च शेल होता है जो शंख होता है, शंख से, ओइस्टर्स होते हैं सीप से, और इवोरी होता है हाथी दांत से बनाए गए थे। एविडेंस ऑफ कार्नियल फ्रॉम राखीगढ़ी एंड ब्रिंदाना फ्राइंस फ्रॉम टिगनारा एंड स्टीटाइट वर्कशॉप फ्रॉम मैन हीरो हैजबोन हैज बीन फाउंड। और यहाँ पर राखीगढ़ी और फिर दाना से कार्नेलियन और तिगड़ाना से फियांस और मान हेरू से स्टेटाइट की कार्यशाला वर्कशॉप्स के भी यहाँ से हमें क्या है बहुत सारे प्रमाण मिले हैं। और पॉटरी, ब्रिक इंडस्ट्री एंड क्लेड क्राफ्ट एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी यहाँ पर क्या है हमें एविडेंस ग्रुप में मिली हैं। इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट को भी क्या है उस समय के अंदर किया जाता था, वो किससे पता लग रहा है, मेजरमेंट और वेटिंग करेंसीज, नेचर एंड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट थ्रू लाइट ऑन बिजनेस एक्टिविटी के ऊपर लाइट प्रकाश डालती हैं। उस समय के अंदर मेटल और सेमी प्रीशियस स्टोन्स को क्या है इम्पोर्ट किया जाता था और एक्सपोर्ट भी किया जाता था। डोमेस्टिक एंड फॉरेन ट्रेड टू प्लेस बोथ बाई लैंड एंड बाई सी। और उस समय का जो व्यापार होता था वो समुद्र के द्वारा और लैंड के द्वारा भी, स्थल के द्वारा और समुद्र के द्वारा किया जाता था। ट्रेड थ्रू लैंड रूट वाज डन बाय बुलिक कार्ट। जो लैंड रूट का जो ट्रेड होता था किससे, बुलिक कार्ट से होता था। एंड सी रूट इज फाउंड फ्रॉम बोट इंस्क्राइब्ड ऑन द सील ऑब्टेंड फ्रॉम मून दैट। उसे क्या है हमें बोट के कुछ प्रमाण वहाँ से मिले हैं। एंड क्ले टॉय बोट, ओके क्या है मिट्टी की मतलब वो बच्चों के खिलौने वाली बोट भी उसके अंदर लोथल में पाई गई है। मेसोपोटामिया शो दैट दे हैड ट्रेड रिलेशंस विद मिलुहा। और मेसोपोटामिया के साथ से क्या है हमें मिलुहा के साथ हमारी जो ट्रेड रिलेशंस से वो उसके प्रमाण मिले हैं। एविडेंस ऑफ पोर्ट हैज ऑल्सो बीन फाउंड फ्रॉम लोथल्स। लोथल से क्या है पोर्ट के सिंबल मिले हैं। एंड बहुत बड़ी मात्रा में क्या वेट्स और स्केल्स भी वहाँ से पाए गए हैं। तो देखिए वेट्स होता है जो ये तराजू के ऊपर जिनको बाट को तोला जाता है। एंड यूनिट ऑफ वेट वाज इन द रेशियो ऑफ 16 ओइस्टर स्केल्स फ्रॉम मोहनजोदड़ो एंड यूरी स्केल फ्रॉम लोथल हैव आल्सो बीन फाउंड। वहाँ से क्या है कुछ
स्केल के नमूने भी वहाँ से पाए गए हैं। ओके बच्चों, ये था इनका जो सोशल लाइफ बताई गई है। आगे रिलीजियस लाइफ। अब देखिए बच्चों, रिलीजियस लाइफ में क्या बताया गया, उस समय की जो रिलीजियस लाइफ थे उसके अंदर देखिए जो मतलब किस देवी देवता को मानते थे, तो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते थे वो। और वो देखिए किस किस की मदर गोडेस, द एविडेंस ऑफ विच इज़ फाउंड इन टेराकोटा फिंगुरीज। टेराकोटा फिंगुरीज से वहाँ पे क्या है, मतलब उनकी मदर गोडेस के ही हमें सिंबल मिले हैं। एंड सील्स ऑल्सो हैव फीमेल फिगरेंस ऑन दैम। और इसके अंदर क्या है, कुछ जो मतलब जो ये सील मिली है उसके अंदर क्या है, जो उनकी मूर्तियाँ हैं वो किसकी, देवियों की मूर्तियों के साक्ष्य भी पाए गए हैं। और इसके अंदर मदर गोडेस के भी हमें कुछ सिंबल मिले हैं। देयर इज एज अ पॉसिबिलिटी दैट सम ऑब्जेक्ट्स मे हैव बीन बर्न फॉर वर्शिप इन फ्रंट ऑफ दीज। और इसके अंदर क्या बताया गया है कि इस सभ्यता के अंदर जो मातृ शक्ति थी, यानी जो नारी शक्ति थी, उसके मतलब उनको खुश करने के लिए उस समय के अंदर क्या है, बलि दी जाती थी। जैसे किसी भी चीज़ को जलाया जाता था उसके सामने, तो उसके भी हमें उसमें सिंबल मिले हैं। और जो उनकी मदर गोडेस थी उसकी जो पूजा की जाती थी उसके लिए क्या है, वर्शिप ऑफ गोडेस ऑफ एनिमल एंड प्लांट वर्ल्ड। क्या है, जीव जंतुओं को बचाने के लिए, प्लांट्स को बचाने के लिए क्या, मदर गोडेस नारी की पूजा की जाती थी। इसके अलावा पशुपति जो शिवा हैं उसके भी क्या है, कुछ सिंबल्स हमें मिले हैं। और एक सील पाई गई है मोहनजोदड़ो से, जिसमें थ्री हेडेड मैन विद हॉर्न सील इन अ योगा पोस्चर ऑन अ थ्रोन, मतलब क्या है, योगा के पोस्चर भी उससे उसमें से मिले हैं। एलिफेंट एंड टाइगर आर शोन ऑन द राइट साइड, एलिफेंट और टाइगर उसके राइट साइड में दिखाए गए हैं। राइनासोर्स एंड बफेलो आर शोन ऑन लेफ्ट साइड में दिखाए गए हैं। टू डियर आर शोन स्टैंडिंग अंडर द थ्रोन, इस तलवार के ऊपर दो डियर के भी खड़े हुए डियर के भी क्या है, पिक्चर्स दिखाए गए हैं। एंड दिस फिगराइन इज ऑफ पशुपति शिवा, और ये किसका फिगर है, पशुपति शिवा का फिगर है। शिवलिंग भी वहाँ से क्या पाया गया है, देखिए ये शिवलिंग है जिसकी लोग पूजा करते थे। एंड एनिमल वर्शिप एंड ट्री वर्शिप, और क्या है वो पशुओं की और पेड़ों की भी पूजा करते थे। जो वन हॉर्न एनिमल में कौन कौन पाए गए हैं, बुल स्नेक पीपल यहाँ पर पाए गए हैं। और योगा के भी क्या है, एक ये देखिए स्वास्थ्य का सिंबल है, और योगा के भी कुछ सिंबल वहाँ से पाए गए हैं, जिसके द्वारा पता लगता है कि वो लोग क्या है, योगा का भी, योगा भी करते थे, यानी कि वो योगा वगैरह भी करते थे। जिसमें पद्मासन पोस्चर का की एक सील पाई गई है, जिसमें हाफ ओपन आइज ऑफ योगी फोकस ऑन द टिप ऑफ द नोस्ट्रिल्स, यानी कि क्या है वो इसके अलग अलग पोस्चर्स पाए गए हैं, जिसके द्वारा क्या पता चलता है कि उस समय के लोग जो हैं वो योगा के अंदर भी बहुत अधिक विश्वास करते थे। थ्री मैटर्स ऑफ फ्यूनरल राइट्स वर प्रीवेलेंट इन सरस्वती सिंधु, कंप्लीट बुरियल, पार्शियल बुरियल और क्रेमेशियन। तो मुसोलियम एरियाज वर आउटसाइड द टाउन्स एंड एविडेंस ऑफ विच हैज बीन फाउंड फ्रॉम फरमाना, राखीगढ़ी एंड अदर आर्कियोलॉजिकल साइट्स। और इन सारे साइट्स से हमें क्या है, बहुत सारे एविडेंस प्राप्त होते हैं। हेड्स ऑफ डेड बॉडीज वर यूजली प्लेस्ड टूवार्ड्स ऑफ द नॉर्थ एंड द फीट टूवार्ड द साउथ। और उस समय के अंदर जो डेड बॉडीज होती थी उसका जो हेड होता था उसे तो कहाँ, नॉर्थ की साइड में रखा जाता था, और जो उसके पैर होते थे उसे साउथ की साइड में पाए जाते थे। पोट्री ज्वेलरी टूल्स वर कैप्ट विद द स्केलेटन्स, और उन मरी हुई बॉडी के साथ क्या इन सब चीज़ों को रखा जाता था। ये देखिए ये योगा के जो पोस्चर्स हैं उस समय के अंदर, ये सारे योगा के पोस्चर्स पाए गए हैं। ओके, ये देखिए ये उस समय के हैं और ये आज के लेटेस्ट हैं, तो उसके उससे इनकी कंपैरिजन की गई है। आगे देखिए बच्चों, लास्ट इसका टॉपिक है कॉजेज ऑफ डेक्लाइन। लेकिन देखिए ये जो पतन, ये जो सभ्यता थी वो ख़त्म हो गई। कैसे ख़त्म हो गई, इसका पतन के डेक्लाइन के क्या कारण थे, तो बहुत सारे रीजन थे जिसकी वजह से क्या है ये सभ्यता ख़त्म हो गई। तो सबसे फर्स्ट आता है एडमिनिस्ट्रेटिव स्टैगेशन। देखिए फर्स्ट क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टैगेशन, यानी कि क्या है, जो उस समय का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो क्या है, बहुत ही कमज़ोर था, उसकी वजह से क्या हो गया था ये सभ्यता ख़त्म हो गई थी। तो देयर वाज स्टैगेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन, एज अ रिजल्ट साइज ऑफ सेटलमेंट वाज श्रिंक्ड। तो जो वहाँ का जो एरिया था वो क्या हो गया, श्रिंक हो गया, सिकुड़ गया, और वहाँ की जो क्लीनलीनेस थी वो ख़त्म हो गई, और इस वजह से क्या हो गया, जो गलियाँ थी वो बहुत छोटी हो गई, सिकुड़ गई, और वहाँ पर जो वॉल बनाई गए कुएँ थे स्टार्टेड बिकमिंग लेस वाइड एंड ब्रिक्स ऑफ ओल्ड हाउसेज आर यूज इन कंस्ट्रक्शन न्यू हाउसेज। और पुराने मकानों को तोड़कर उनकी जो ईंटें थी उसे नए मकानों के अंदर यूज़ किया जाने लग गया, और इस प्रकार से उस समय की जो सभ्यता थी वो क्या हो गई, धीरे धीरे ख़त्म हो गई।
सेकंड है बेटा क्लाइमेट चेंज, जो क्लाइमेट था वो परिवर्तित हुआ, तो जो क्लाइमेट था वो भी क्या है, इसकी सभ्यता के पतन का एक बहुत बड़ा कारण है। बहुत कम बारिश होने की वजह से क्या हो गया था, जो रिवर सरस्वती थी वो क्या हो गई, ड्राई अप हो गई, सूख गई। और जो हरियाणा राजस्थान और पंजाब के अंदर जितनी भी सभ्यता पाई गई थी वो क्या हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई, ख़त्म हो गई। ओके आगे देखिए, थर्ड पॉइंट है इसका फ्लड। उस समय के अंदर क्या है, जो फ्लड है, बाढ़ है, उसकी वजह से भी क्या हो गया था, उसकी वजह से भी जो सभ्यताएँ थी वो क्या हो गई थी, ख़त्म हो गई थी। जिसमें मोहनजोदड़ो, चानूदारो, लोथल और भगत तारो, इन सब एरियाज का क्या है, यहाँ से क्या है हमें किसके फ्लड के एविडेंस मिले हैं, और इसकी वजह से क्या हो गया था, ये सभ्यता डिक्लाइन हो गई थी, ख़त्म हो गई थी। फोर्थ है डिक्रीज इन फॉरेन ट्रेड। उस समय के अंदर जो क्या है, जो फॉरेन ट्रेड था, व्यापार था, वो क्या हो गया था, डिक्रीज यानी कि वो ख़त्म हो गया था, उसकी वजह से भी क्या हो गया था, ये सभ्यता ख़त्म हो गई थी। तो इसके पतन की वजह से उसमें कमी आ गई थी, तो ट्रेड के अंदर कमी आने की वजह से भी क्या हो गई, ये सभ्यता जो थी सिकुड़ गई थी, वो कमज़ोर पड़ गई थी, और इसकी वजह से क्या हो गया था, जो लोकल जो प्रोडक्शन था उसकी डिमांड क्या हो गई थी, कम हो गई थी, और जिसकी वजह से बिगेन टू इंक्रीज इन प्लेस ऑफ वैल्यूएबल गुड्स एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल डिक्लाइंड। और धीरे धीरे क्या है, लोगों का जब काम ख़त्म हो गया तो उनका जो रहने का जो स्टाइल था वो भी क्या हो गया, ख़त्म हो गया, और जिसकी वजह से ये सभ्यता नष्ट हो गई थी। लास्ट है एपिडेमिक यानी कि महामारी फैली थी उस समय के अंदर, तो उसकी वजह से भी सभ्यता, तो उस समय के अंदर 42 ह्यूमन स्केलेटन पाए गए हैं मोहनजोदड़ो से, और जिसके अंदर से जो 41 जो मैन के जो स्केलेटन थे वो सभी क्या है, एक ही टाइप की बीमारी से ग्रस्त थे, वो कौन सी थी, वो मलेरिया। इस वजह से क्या है, इतनी बड़ी महामारी एक साल फैलने की वजह से क्या हो गया था, वहाँ पर जो सभ्यता थी वो नष्ट हो गई थी, सभ्यता ख़त्म हो गई थी। तो इस प्रकार से बच्चों, ये जो सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन है उसके बारे में इसमें बताया गया है। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था, बहुत सारी चीज़ें ऐसी जिसके बारे में हमें अभी तक नॉलेज नहीं थी, और आज हमने इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया है। बेटा मैंने पूरी कोशिश की आपको ये इजी लैंग्वेज में समझाने की, फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी डाउट आ रहा है, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर दोगे, ताकि मैं आपके डाउट्स को दूर कर सकूँ। ओके थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।